कोसली पुलिस थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी 13 वर्षीय किशोर के साथ 3 युवकों द्वारा कुकर्म करने के बाद उसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल करने का मामला प्रकाश में आया। कोसली थाना पुलिस ने किशोर के पिता की शिकायत पर आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पिता ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि 6 अगस्त की सुबह उसके एक दोस्त ने उसके बेटे के साथ 3 युवकों द्वारा कुकर्म करने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने की जानकारी दी। पूछने पर बेटे ने बताया कि 2 मई की दोपहर वह अपने एक दोस्त के साथ नहाने गया था, जहां से अक्षय उर्फ शुक्ली, चूना उर्फ रमेश दोनों उन्हें मोबाइल गेम खिलाने के बहाने खेतों में ले गए। खेत में ले जाने के बाद नितिन को बाहर बैठा दिया तथा अंदर ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। उसके बाद नहर आने के बाद नितिन से जबरदस्ती उसके साथ कुकर्म करने के लिए बाध्य किया। अक्षय ने मोबाइल से उसे उसकी वीडियो बना ली तथा किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी देकर वहां से भगा दिया। शिकायत मिलने के बाद कोसली थाना पुलिस ने सभी आरोपियों के खिलाफ धारा 377 व पोस्को एक्ट के तहत मामला दर्ज कर अग्रिम जाँच शुरू कर दी है। प्रकाश प्राप्त हुई है कि उसके नाबालिग लड़के के साथ 3 लड़कों ने अप्राकृतिक जुर्म किया है। दरखास्त प्राप्त होने पर उनके खिलाफ हमने मुकदमा दर्ज कर दिया धारा 377 और पोक्सो एक्ट के तहत। सर कौन कौन लड़के, इसमें बालिक भी है या कोई नाबालिग भी? अभी बालिक है, बालिक के बारे में अभी क्लियर नहीं हो पाई। तो सर कोई वीडियो वायरल भी इस मामले को लेकर? वीडियो वायरल के बारे में भी बता रहे हैं, वीडियो वायरल हुई है परंतु अभी उसकी हमने पेन ड्राइव वगैरह प्राप्त नहीं हुआ है। सर 2 मई 2021 का मामला बता रहे हैं। दरखास्त कब प्राप्त हुई? दरखास्त हमारे को कल प्राप्त हुई थी।